इजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा, बहुत सारे ऑडियो और वीडियो देखे और अपने अपने ढंग से उसे अप्लाई करने की कोशिश करी, लेकिन लगता है कि ये ठीक से काम नहीं करता। आइए इसे बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझें। देखिए दोस्तों, जैसे अगर आपको किसी की शादी करनी हो तो आपके दिमाग में विचार आएंगे ना कि अब टेंट वाले से कॉन्टैक्ट, कुकिंग वाले से कॉन्टैक्ट करना है, कैटरर्स को ढूंढना है, लाइट्स वाले से कॉन्टैक्ट करना है, बैंड बाजे वाले कॉन्टैक्ट करना है, ऐसे बहुत सारे ख्याल आएंगे। फिर ऐसे कौन कौन से दोस्त हैं जिनके इन लोगों से कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, और फिर आप भाग दौड़ में बिजी हो जाओगे। अगर किसी की शादी करने का जिम्मेदारी आपने ले ली है तो समझो, अगर आपको अपने घर में किसी का बर्थडे मनाना है तो फिर आप वैसी चीज़ों के विचार अपने मन में देखोगे कि वो आ गए दौड़ कर आपके पास, केक कहाँ मिलता है, बच्चों के लिए ड्रेस कहाँ से लाएंगे, बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए कौन कौन से आइटम ला सकते हैं हम, किस किस बर्थडे में कौन कौन से लोगों ने कौन कौन से आइटम दिए थे गिफ्ट में, है ना। और समझो किसी से झगड़ा हो गया और आपको बदला लेना, तो आप फिर ये विचार करोगे कौन कौन से ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ताकतवर हैं, जो मेरी मदद करेंगे, जो बदला लेने में मेरे काम आएंगे। तो जैसी घटनाओं के बारे में आप कल्पना करते हो, उस तरह के विचार दौड़कर अपने आप आपके मन में डेरा जमा लेते हैं और आपको आसपास से घेर लेते हैं, और फिर आप विचार करते हो और फिर आप वैसे कामों को अपने आप करने लगते हो, और आप शादी भी कर देते हो, आप बर्थडे भी मना लेते हो, आप बदले भी ले लेते हो, जो भी आप काम करना चाहते हो बस उसके बारे में सोचते हो, उस तरह के विचार आपके नज़दीक आते हैं और आप उस तरह के काम करने लगते हो, और जीवन फिर उसी दिशा में उसी ढंग से चलने लगता है। या फिर आपने सोचा कि चलो गरीबों को भोजन कराएंगे, तो कौन सा खाना खिलाना है उसकी प्लानिंग बनाते हो, गरीब व्यक्ति कहाँ मिलेंगे उसकी योजना बनाते हो, कैसे उनको बांटना है उसकी योजना बनाते हो, और फिर ये कार्य संभव हो जाता है। आपका सारा का सारा जीवन आपके विचारों के इर्द गिर्द ही घूमता है, और कुछ नहीं होता। तो अब आप ये समझ लो कि जीवन में जो जो घटनाएं अब तक घट चुकी हैं आपके, और जो घट रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार एकमात्र आपके विचार थे, ना कि आपके माता पिता, ना कि आपका समाज, ना कि आपके संस्कार, ना कि राजनीतिक, ना कि आपके शहर का मौसम। हमें तो क्या होता है, लाइफ में फेलियर्स मिले ना और कामयाब नहीं हो पाए तो हम दूसरों को ब्लेम करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। हम एक ही काम में बड़े एक्सपर्ट हैं कि अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार कैसे ठहरा दें। वो बड़ा आसान होता है। आप किसी भी आदमी से पूछो ना, आप अनसक्सेस क्यों हो, लाइफ में इतने दुख क्यों हैं, रो क्यों रहे हो, तो बड़ी इजीली बता देगा, इसकी वजह से दुखी हैं क्योंकि उसने धोखा दे दिया, क्योंकि मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे शहर में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियन सही नहीं है। अब उनसे पूछो कि इसी शहर से कितने अमीर लोग होकर निकल चुके हैं, जरा हिस्ट्री में झांको। आपके मम्मी पापा से भी वर्स्ट मम्मी पापा थे जिनके, या जिनके मम्मी पापा ही नहीं थे, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, ऐसे कितने लोग हैं। इसी इंडिया के पॉलिटिशियनों के बीच में से कितने लोगों ने अपनी पहचान बना ली, तो फिर वो चुप हो जाते हैं। वो बोलते हैं, सर फिर आप ही सिखाओ क्या करना। तो किस चीज़ को रियलाइज़ करो कि आपकी लाइफ में आपकी जो सिचुएशन है वो आपने क्रिएट करी है, किसी दूसरे ने नहीं करी है। ओनली यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिचुएशन। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करो आप। और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बड़ी आसानी से समझो। अब देखो, ये तो प्रूफ हो गया ना कि जैसे विचार करते हो आप, वैसी घटनाएं जीवन में घटने लगती हैं। अब तक जो घटनाएं घटी ना, उनके लिए भी आपने वैसे ही विचार किए थे, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं से आपके अंदर वो विचार आ गए थे और उन्होंने डेरा जमा लिया था, उन्होंने जड़ें जमा ली थी अंदर, फिर वो वृक्ष बनकर पनपे और फैले। तब आप देखकर हैरान हो गए कि ये पौधे तो हमने लगाए नहीं थे, ये कहाँ से आए। अरे आप ही नहीं लगाए थे, आप नहीं लगाते तो कहाँ से आते, आपने बीज बोए नहीं होते तो ऐसे कड़वे फल कैसे जीवन में आते हैं आपके, आपने ही बोए थे। आप मानो या ना मानो, आप जब बहुत गहरे में देखोगे तो पता चलेगा, अरे हम ही थे कारण। हमने तो क्या है, जीवन को बहुत गलत ढंग से समझ लिया, इसीलिए हम दुखी हैं, और कोई वजह नहीं इसकी। सही ढंग से समझोगे ना तो जीवन बदलने में फिर देर थोड़ी लगती है, बहुत जल्दी बदलता है और बड़ी तेजी से बदलता है।
तो आप क्या करना है, आपको अपने विचारों में परिवर्तन करना है। क्या बहुत रिच बनना चाहते हो, बहुत अमीर बनना चाहते हो, तो क्या होगा, ऐसे थॉट्स आपकी तरफ दौड़ेंगे, कैसे अमीर बन सकते हो, कौन कौन से काम आप अपनी इन्हीं हालातों में कर सकते हो, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। इंटरनेट पर आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे, ऐसी बातों को तलाशोगे, ऐसी किताबों में वो रहस्य ढूंढोगे कि अमीर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और कुछ ना कुछ नए नए बड़े बड़े काम करने लगोगे। लेकिन आपको अमीर बनना है, कितना सोचते हो आप, तो हमेशा इस बारे में सोचते हो कि हम अमीर नहीं बन सकते, बिकॉज वी आर वेरी अनलकी, नो बडी सपोर्टिंग मी, ये सोचते हो आप 24 घंटे। अगर आप सोचो कि मुझे बहुत स्वस्थ बनना है, तो आप क्या करोगे, ऐसी पोस्ट पढ़ोगे, ऐसी पुस्तकें पढ़ोगे, ऐसी चीज़ों को अप्लाई करोगे जिससे हेल्दी बना जा सकता है, ऐसे लोगों से बात करोगे, ऐसे आर्टिकल पढ़ोगे, कुछ अच्छे व्यायाम करोगे जिनसे अल्टीमेट हेल्थ मिल सकती है आपको। लेकिन आप ये नहीं सोचते, आप तो बीमारियों के बारे में सोचते हो, मेरे दोस्त को हार्ट अटैक आए तो मुझे कब आएगा, अरे कुछ धड़धड़ हो रही है, लगता है गड़बड़ है, मेरी मम्मी को डायबिटीज़ थी, मुझे भी होनी चाहिए, कहते हैं हेरिडिटी की वजह से डायबिटीज़ होती है, हमने ऐसे सेंटेंसेस सुन रखे हैं और वही घटनाएं सच घटने लगती हैं हमारे जीवन में। हम स्वास्थ्य के बारे में नहीं, बीमारियों के बारे में सोचते, हम अमीरी के बारे में नहीं, गरीबी और दुर्भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हम प्रेम के बारे में कम और धोखे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हम सब उल्टा उल्टा सोचते हैं, इसीलिए जीवन में सब उल्टा उल्टा घटने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही यही है कि जैसे विचार आप अपने मन में 24 घंटे घुमाते रहोगे, वैसी ही घटनाएं आपके करीब और करीब आती रहेंगी और घटती रहेंगी जीवन में। यही इस जीवन का एकमात्र रहस्य, आप मानो चाहे मत मानो। और ये बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल बात नहीं है ये। आपको ऐसा लगता है कि अपने डिजायरेबल विचारों को अपने मस्तिष्क में रखना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं, बड़ा आसान, बहुत आसान है, लेकिन तब जब आप करना तो चाहो। आप तो नेगेटिव थिंकिंग में इतने ज़्यादा उलझे हो, हमेशा बुरा ही बुरा सोचते रहते हो, उसके अभ्यस्त हो गए आप, उसकी आदत सी पड़ गई है आप, हैबिचुअल हो गए। उन आदतों को छोड़ना बड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है, लेकिन इनको छोड़ने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको, आप इस तरह के ऑडियो सुनते रहो, इस तरह की बुक्स पढ़ते रहो, ऐसी चीज़ों के टच में रहो, तो वो नेगेटिव विचार अपने आप ही विदा हो जाते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, पहले वो बड़े दुखी, बहुत परेशान रहते हैं, धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उनके सारे नकारात्मक विचार भी गुजर ही जाते हैं, मर ही जाते हैं, उनकी लाइफ चेंज होने लगती है, सक्सेस बनने लगते हैं, रिच बनने लगते हैं, हेल्दी होने लगते हैं, और ये वो महसूस करते हैं कि हाँ जीवन में फ़र्क आया, और रियलाइज़ भी करते हैं, और ये सभी बड़ी आसानी से और सहजता से घट जाता है। मैंने तो कई बार आजमाया, आप भी इसे आजमा कर दे। जीवन से भयभीत होने की जरा भी जरूरत नहीं, लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस समझ पूर्वक अगर आप इसको जियो। तो अगर आप जीवन में सब अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उनके बारे में कल्पनाएँ, उनके बारे में विचार करना शुरू कर दो, और मेडिटेशन को भी समझो, ध्यान को भी समझो। इससे क्या होगा, आपके मन में प्रबल विचार उठेंगे, आपकी कल्पनाएं भी प्रबल होगी, क्योंकि खाली मन प्रबल विचार ही कर सकता, खाली मन प्रबल कल्पनाएं करेगा और वो घनीभूत होकर संभव हो जाती है। इस ऑडियो को भी कई बार सुनो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हो सकता उनमें से किसी का जीवन बदलने लगे और वो फीडबैक दे आपको कि आपने बताई थी ये बात, इससे हमें फ़ायदा हो, तो आपको याद आएगा, अरे हमने दूसरे को तो बताई थी, हमने तो करी नहीं। हम अक्सर यही करते हैं, अच्छी अच्छी बातें दूसरों को बताते रहते हैं कि वो करेगा, एक्सरसाइज करने की सलाह दूसरे को देंगे, अरे तुम ये करो, तुम वो करो, हम क्या करते, कुछ नहीं। फिर वो बताता है, आपने जो टिप दी थी ना उसको हमने किया, उससे हमें इतना फ़ायदा हो, तो हमें याद आती, अरे यार हमें भी करना चाहिए, हम ऐसे ही लोग, जब तक दूसरा ना बताए हमें याद ही नहीं आती, जब तक दूसरा झंझोड़ करना उठाए हमारी आँखें नहीं खुलती। लेकिन फिर अब क्या होगा, धीरे धीरे आँख अपने आप खुलने लगेगी, तो अपनी तो खुद ही खोलो और दूसरों को भी खोलने का प्रयास करो, खुद तो आनंद लो ही लो, दूसरों को भी आनंद बांटने की कोशिश करो, खुद तो प्रेम में जियो ही जियो, दूसरों को भी प्रेम बांटो। इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें कई कई गुना होकर आपकी तरफ वापस लौटेंगी, फिर जीवन वो हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी, और बड़ा मजा आएगा जिंदगी में। इतने प्यार से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बताऊँ।